अलीराजपुर जिले के आजादनगर थाना प्रभारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह ग्रामीणों को धमकाते नजर आ रहे। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने अवैध शराब से भरी गाड़ी को बिना कार्रवाई छोड़ दिया था, जिसके बाद देर रात तक ड्रामा चलता रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहीं आदिवासी बाहुल्य अलीराजपुर जिले के आजाद नगर थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने अवैध शराब से भरा वाहन पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने बिना कार्रवाई वाहन को छोड़ दिया, जिसने भागने में दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी। वहीं इसके बाद एक बार फिर ग्रामीणों ने अवैध शराब से भरे वाहन को पकड़ा। सूचना पर थाना प्रभारी गोपाल परमार मौके पर पहुंचे, जहां उनका ग्रामीणों को धमकाते हुए वीडियो भी सामने आया, जिसमें टीआई ने कहा कि राजनीतिक मुझसे नहीं, तुमने मुझे छेड़ दिया है, और क्या कहा आप खुद सुनिए। इधर है कोई? बिल्कुल ही ठोकने देंगे। चल फंटा में गाड़ी गाड़ी घूमे, चल गाड़ी घूमे। चाबी कहाँ बेटा इसकी? चाबी ना कहाँ है? जरा संदीप, अरे आप हम लोग नहीं बाबू, सर भगाए वहाँ से। 25 साल से एसएससी ग्राम विभाग में राजनीति मुझसे नहीं, पैसा डालूंगा अंदर, उसके पास ही चाबी है सर, हमने ली नहीं। दो बाइक को ठोक के आए, बाइक को कहाँ ठोका हूँ भैया? अरे जो भी होगा रिपोर्ट लिखवा लेते हैं, ध्यान ज्यादा मत दो। ठीक है ना बेटा, सब कर लेंगे, ठीक है ना सर? हमने पहले तीन बाइक, 10 बाइक सब किया हम कर, ठीक है सर, ठीक है ना। अब ये जो अब तुमने छेड़ दिया, अब आप लोगों ने मुझे छेड़ दिया, ठीक है। चलो भाई जी, कल भाभरा थाने के अंतर्गत शराब माफिया द्वारा जो कि बड़ी पोल में एक अवैध गाड़ी पकड़ी थी ग्रामीण द्वारा, जो कि एक्सीडेंट करके भाग रहा था, उसमें पुलिस ने रिपोर्ट भी नहीं लिखी, और ग्रामीण द्वारा जो गाड़ी पकड़ी थी पुलिस भी मौजूद वहाँ थी, पुलिस उसको ले जाकर थाने पे ले जाने की वजह जो कि ग्राम मेड़ा में फिर ग्रामीणों ने पकड़ी, तो उसमें ठेकेदार पुलिस और आबकारी जो कि मिली भगत है, अलीराजपुर जिले में शराब माफिया द्वारा पूरा आतंक मचा रखा है। आए दिन आदिवासी गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनके ठेकेदार और पुलिस और आबकारी के द्वारा जो कि रात दिन अवैध हथियार लेकर ठेकेदार द्वारा गाड़ियां से आए दिन आदिवासियों को रात दिन घरों में और कई जगह चेकिंग की जा रही है। कल जो घटना हुई है, एसपी साहब को भी मीडिया के माध्यम से गई है और सभी के माध्यम से, और आज मैंने एक वीडियो देखा जो कि भाभरा टीआई द्वारा आदिवासी ग्रामीण लोगों को एक तरफ से शराब पकड़कर पुलिस को सौंप रही है, दूसरी तरफ टीआई की दबंगता इतनी है कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ है और ग्रामीणों को गाली गलौज करके कि 25 साल की नौकरी हो गई है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और आपको देख लूंगा, आपको झूठे केस में फंसा के और आपके गान में डंडा डाल दूंगा, ये मतलब टीआई द्वारा किया जा रहा है, तो मेरा एसपी साहब से निवेदन है कि इसको तत्काल सस्पेंड किया जाए, अगर नहीं किया गया तो अलीराजपुर जिला पूरा आदिवासी समाज और कई समाज संगठन द्वारा एसपी का घेराव किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री कहता है कि मैं अलीराज आदिवासियों का हितैषी हूँ, लेकिन आज मुख्यमंत्री के राज में आज ये दारू का इतना आतंक है, आदिवासियों के हित की बात करते हैं। मैं वन मंत्री से भी ये मांग करता हूँ कि ऐसे दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर ऐसे दोषी अधिकारी को सजा की जाए, और एक तरफ से
ठेकेदार कहता है कि हमारा लाइसेंस है, लाइसेंस पूरे मध्य प्रदेश में दुकान पे एक भी दारू की बोतल बेचने का एक एक अधिकार है, कोई गाड़ी का गाड़ी से भरने का अधिकार नहीं है। लेकिन एसपी साहब और कलेक्टर और कई अधिकारी मिलीभगत से आज हजारों की तादाद में पेटियां गुजरात जा रही है, तो ये कौन सा नियम है? तो मैं एसपी साहब और कलेक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये एसपी साहब अगर ये कार्रवाई नहीं करे टीआई और जो ठेकेदार के खिलाफ, जो कि एक तरफ से पुलिस कहती है कि हम अपराधी रोकेंगे, अपराध रोकेंगे, एसपी साहब से मेरा निवेदन है कि आप ये गाड़ियां लेके जो रात रात भर बंदूक लेके जो घूम रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ये नहीं हुआ, अगर मुख्यमंत्री अगर ये एसपी साहब अगर दो दिन में अगर ये टीआई के खिलाफ नहीं करे, तो आगामी 1 जुलाई को विधानसभा सत्र में विधायक द्वारा मुख्यमंत्री को साड़ी और चूड़िया भेंट करके अवगत कराएंगे कि मुख्यमंत्री जी आपके जिले के पुलिस अधिकारी हमारे आदिवासियों पे और ठेकेदार द्वारा आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहा है, ये आपको हम चूड़िया और साड़ी भेंट करेंगे और विधानसभा में उसकी पूरी मांग करेंगे। एक तरफ से शासन कहते हैं आदिवासियों की हम रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आपके भक्षक यहाँ आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। हर एक थानों पे आए दिन ठेकेदार द्वारा, अगर एसपी और कलेक्टर अगर ये नहीं करेगा तो हम जिला भी बंद करेंगे। अगर 2-3 दिन में अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो इसके खिलाफ हम पूरा जोर शोर करेंगे, क्योंकि ये एक आदिवासियों पे अगर मुख्यमंत्री अगर कहता, अगर ये वीडियो देखे तो तत्काल सस्पेंड कर दे कोई आदिवासियों पे, अगर कोई सामान्य पे हो या कोई पे अगर मतलब टीआई द्वारा किया जाए तो तत्काल सस्पेंड किया जाए, क्योंकि आदिवासी की कोई सुनने को वाला है ही नहीं। इसलिए हम अगर ये नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी और कई संगठन हम एसपी का घेराव करके चाहे जो भी हो जाए, और झूठे मुकदमे ग्रामीणों पे आए दिन थोपे जा रहे, 1 पेटी 2 पेटी 4 पेटी आज ठेकेदार द्वारा खुलेआम रात को 8-8, 10-10 बजे 1-1 बजे तक दारू की सप्लाई होती है, वहां का पुलिस प्रशासन सो जाती है पुलिस के माध्यम से। और जो बड़ी पोल में जो पकड़ी थी दारू, तो फिर वापस भक्के थाने पे ले जा रहे थे, थाने के नीप ले जाते हुए टीआई ने उदयगढ़ को रवाना करी थी, वहां पे ग्रामीण लोगों ने पकड़ी, वहां पे टीआई ने गाली गलौज करी, फिर मुझे मालूम पड़ा कि वो गाड़ी भी छोड़ दी। तो ऐसे में अगर प्रशासन अगर नहीं ध्यान देगा तो मेरा मुख्यमंत्री और वन मंत्री से मेरा निवेदन है कि अगर आप सच्चे आदिवासी के हितैषी हो तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो आंदोलन जोर से किया जाएगा। वही मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष महेश पटेल ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए अवैध शराब माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की।